हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में कुछ स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज थी रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं मैम, कौन सी थ्योरी माइंड में रखें, कौन सी नहीं रखें, उसके बाद भी लगता है कुछ और भी थ्योरीज हैं, कैसे उनको कंबाइल अप करें, कैसे उनकी प्रिपरेशन की जाए, इस मैटर में हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स ऑप्शन पेपर 2 में मेनली विद द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी पार्ट ए के पेपर्स में थ्योरीज पूछी जाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी थ्योरी है, याद नहीं रह जाती, उसको कैसे कवर अप करें। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ें तो उसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और अगर आपने एक थ्योरी को कोई अंडरस्टैंड कर लिया तो उसको अपनी लाइफ सिचुएशन या कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद उसको पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स के अंदर दें, ठीक है। उसके बाद जो है वीकेंड यानी 7th डे में उसको रिवीजन दें, एंड देन 14th डे। थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, यानी कोई हेडिंग है और उससे को लिंक कर लिया आपने कि आपने फ्रूट की थ्योरी में क्या पढ़ा था, सपोज इरेक्सिन की थ्योरी पे क्या पढ़ा था, बुडैन की थ्योरी में क्या पढ़ा था, ऐसे कई थ्योरीज है, मैं नाम लेके आपको डराऊंगी नहीं। और तो आपको करना क्या है कि जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट्स को, उसको जो है आप डॉट को कनेक्ट कर लेंगे हेडिंग के साथ, जो थ्योरी की हेडिंग है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वहां पे भी आप थ्योरीज, भाई थ्योरीज पार्ट है सिलेबस का, तभी वो आपके सिलेबस में रखा गया क्योंकि वो पूछा जाएगा, ठीक है। और कई बार इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आता है जो आप थ्योरी की ही मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी ये स्ट्रैटेजी आपको करनी है कि हर थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है और उसको जो है अपने लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके रिवीजन पे और आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरी की जाए, कौन सी थ्योरी छोड़ी जाए। तो देखिए, हम जो भी थ्योरीज कवर अप कराते हैं उसमें से 60-70% कहीं ना कहीं वो आपके डायरेक्ट सिलेबस का जो चैप्टर से कोलिंक्ड है वैसी थ्योरीज हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके उठ चुकी हैं वैसी थ्योरीज हैं, प्लस या वो उस दौरान किसी न्यूज में है। ऐसे साइकोलॉजिस्ट की हो या हमारे वेरियस स्कॉलर्स की हो, ऑथर्स की हो, तो थ्योरीज की तो कोई लिमिट नहीं है। हम केवल उतनी ही रिलेवेंट, भाई पीएचडी करना नहीं, डॉक्टरेट करना नहीं, हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है एक अच्छे स्कोर के साथ, क्योंकि यस ऑप्शनल हमें एक अच्छी रैंक देता है और उसी को हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, और उस स्ट्रेंथ को भी कम समय में हमें मजबूत करना है। तो केवल उन्हीं रिलेवेंट थ्योरीज को कवर अप करें जिनको मैं मैक्सिममली अपने स्टूडेंट्स को, आप लोग को करवा रही हूँ। कई बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है आपने अगर बुक रेफर की है, बुक में भी मेंशन है, ठीक है। और अदरवाइज हम उनको विद द टाइम स्पेस उनकी इमेजिनरी लर्निंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन थ्योरीज को तो मिनिमम आप करके ही जाएं, छोड़ के ना जाएं, अंडरस्टैंड करें थ्योरीज को और उनको कंपाइल रिवीजन करें, भाई ग्रुप्स बने हुए वहां पे डिस्कशन करें। बिल्कुल ये डायलेमा नहीं रह जाना चाहिए कि भाई कितनी थ्योरीज करनी है, कैसे करनी है या कैसे कवर अप करना है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल जब आपको रैंक देता है तो कुछ एक्स्ट्रा मांगता है आपसे, तो इसीलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करेंगे। एक जो टेक्निक्स मैं बताती हूँ उनको अप्लाई करेंगे और वो प्रूवन टेक्निक है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, फुल ट्रस्ट के साथ अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल रियलाइज कि आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। सो ये क्वेरी थी मेरे पास लास्ट वीक में ही, कई बच्चों ने ये सेम क्वेरीज को पूछ लिया क्योंकि अभी आप सबका प्रिलिम्स आएगा, फिर उसके बाद मेंस फोकस हो जाता है, तो वो स्ट्रेस एक लेवल क्रिएट होने लगता है। तो बिल्कुल भी वरीड नहीं हो, अपने एग्जाम्स पे जो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रिपरेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेरीज ऐसे ही, जैसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि मैम थ्योरीज इतनी सारी हैं उसको कैसे कवर अप करना है, मुझे लगा ये कई और बच्चों की भी क्वेरी हो सकती है, इसलिए मैं ये आप सबके सामने लेकर आई कि थ्योरी को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जितना मैं सिलेबस के थ्रू या आपको इंटीमेट करवा रही हूँ या बुक में मेंशन है, उतना तो आपको करना ही करना है कोलिंग करके। और जो बच्चे बुक लिए हैं उनको प्रीवियस ये पेपर भी कुछ ईयर्स के हम करवा देंगे आफ्टर प्रीलिम्स, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आपने थ्योरी को अंडरस्टैंड करके कुछ जो रिविजन का क्राइटेरिया है मेरा आपके थ्रू, उसको आप फॉलो करें, आपको डेफिनेटली कमांड हो जाएगा और ये जो थ्योरी बहुत लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है, आपके लिए वो स्ट्रेंथ हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को लेकर के, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उनको अपने साथ नहीं रखे, जब मैं आपके साथ हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, प्लीज़
शेयर योर क्वेरी, शेयर योर क्वेश्चन, आस्क योर डाउट्स एंड गेट इट क्लियर फ्रॉम हियर। ठीक है, तो कोई भी ऐसे डायलेमास आप फेस कर रहे हैं, दैट इज अ जनरल डायलेमास, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछे, आप टीम को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू विद दिस इशू कि मैम इतनी सारी थ्योरी कवर करनी है, एक क्वेश्चन ये था, और दूसरा क्या शॉर्ट स्ट्रैटेजी हम ऑप्ट करें इन थ्योरीज को कवर करने के लिए। तो आई होप आई हेल्प यू, प्लीज आंसर राइटिंग पे साइमल्टेनियसली फोकस करेंगे ताकि पेन भी जो है आपकी मजबूत हो, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करेगा वो चेक करेगा आपका एग्जीक्यूशन जो आप ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करके आ रहे हैं। ठीक है, सो कीप वर्किंग हार्ड, सो एंड ट्राई टू लर्न विद फन, एंजॉय करके सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। समय कम रहता है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्टिन्यूसली हार्डवर्क करें। ऑप्शनल्स में कोई भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू आस्क। ठीक है, सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।